पिछले दिनों दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर आरएसएस और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किसानों पर कथित रूप से पत्थरबाजी की गई। उसके बाद में पंजाब में इन दलों के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। जलंधर में प्रेस क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन में सिंधु सीमा पर हुए हमले की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद किसानों ने आरएसएस और भाजपा पर बहिष्कार करने की अपील की है। ब्यूरो फिर अचानक न्यूज जलंधर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। असी अज जलंधर के कुछ पिंड के किसान इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वास्ते आए सी। साडा विशा सीगा जो कल सिंघू बार्डर के उत्ते साडे किसान वीरां दे उत्ते बीजेपी ते आरएसएस के कुछ बंदिया ने जो घटिया हरकत की आ बटे मारे ने, पुलिस ने खड़ के उन्हां दा साथ दिता, तो असीं उहदी निंदा करदे हां। तो असीं पंजाब दे बीजेपी दे लीडरां नूं बेनती करदे हां कि वह सेंटर दे बीजेपी दे लीडरां दे नाल राबता करके उन्हां नूं दसण कि वह पंजाब दा भारत का माहौल खराब ना करन और एक जिहियां हरकतां तों बाज आ जाण। साडे किसानां दे उत्ते बज्जा होया एक एक डला असीं याद रखांगे, तो असीं आउण वाले समें दे विच बीजेपी का पूरी तौर पर आर एस एस का बाइकाट कर रहे हैं। पंजाब के किसी पिंड दे विच बीजेपी ते आर एस एस के किसी लीडर नूं वड़न नहीं देवांगे। ये साडे पंजाब का साडी भाईचारक सांझ का माहौल खराब कर रहे हैं। ये शांतिपूर्वक बैठे जिहड़े साडे किसान वीरां ते जिहड़ी कुटमार कल की गई आ बहुत निंदणयोग आ, ते 22 दी इलैक्शन दे विच इन्हां नूं इहदा खमियाजा भुगतना पऊगा। असीं इन्हां नूं हथ जोड़ के बेनती करते हैं कि ये सेंटर के लीडरां दे नाल राबता करके उन्हां नूं दसण कि ये काले कानून रद्द किए जाण, ये घटिया हरकतां करन तों बाज आ जाण। थोड़े बहुत जिहड़े किसान 26 तों बाद वो एक नैशनल मीडिया उत्ते अफवाह फैलाई जा रही है कि किसान वापस आ गए, वो किसान वो वापस आए ने जिहड़े 26 दी ट्रैक्टर मार्च में शामिल होण गए सी। जिहड़े किसान उत्थे पक्के मोर्चे बैठे ने वो अज भी उत्थे बैठे ने और असी होर वाधू गिणती दे विच जा रहे हैं। बहुत वड्डी व्यौंतबंदी हो रही आ। असी अज भी साडे कल नूं पिंडों भी एक जथा जा रहा करतारपुर तों, मेरा वीर मनजीत सिंह जी की अगवाई दे विच कल नूं एक बहुत वड्डा जथा जा रहा आ। तो असी पंजाब दे हर पिंड दे नौजवानों नूं बेनती भी करदे थोड़े थ्रू कि वह वध तों वध गिणती दे विच उस मोर्चे दे विच पहुंचण। जिहड़ियां तस्वीरां मैं तुहानूं अज दिखाईआं ने वह तस्वीरां दे विच जिहड़ा नैशनल मीडिया के कुछ चैनल जिहड़े दिखा रहे हैं कि उत्थे दे वसनीक लोकल लोग ने जिहड़े कह रहे हैं कि धरना चको असी परेशान हाँ, वो लोग उत्थे दे नहीं हैगे। वह लोग जिहड़े बीजेपी के लोग ने, आर एस एस के कुछ संगठन, हिंदू संगठन, उन्होंने लोग ने उन्होंने भेजा गया बकायदा एक भीड़ के नाल माहौल खराब करन दे लई। वो बिल्कुल बंदे नहीं है। सोशल मीडिया के उत्ते सारे जिहड़े नंगे हो चुके ने लोग और कित्थे दे ने। एक व्यक्ति विचों उहदी वाइफ दिल्ली दे नॉर्थ दिल्ली दे वार्ड दे विचों मौजूदा कौंसलर ने, जिहड़े इन मौजूदा कौंसलर ने, इन्हां दे रिश्तेदार करता, इन्हां दे रिश्तेदार करतारपुर दे विच ने। ये आ जी ये आ जी जिहड़े कल उत्थे पहुंचे सीगे जिन्हां ने पथराव किया। ये आ जी वह व्यक्ति जिन्हें पथराव किया, तो ये उहदी वाइफ अंजू, ये नॉर्थ दिल्ली दी जी वार्ड नंबर 31 तो मौजूदा बीजेपी की कौंसलर आ, हसबेंड आ, तो जिहड़ा दिल्ली दे विच जा के जिन्हें खपखाना पाया। ये आ जी आ देखो जी, ये बंदा कोटी एको ही पा के दो जगह के उत्ते, थोड़े दिन पहला ये केजरीवाल सरकार का विरोध कर रहा बीजेपी वालों, तो हुण देखो कल ये बंदा उस धरने की जिहड़ी लोगों की अगवाई कर रहा है, जिहड़े शरारती अंसर उत्थे आए थे उन्होंने अगवाई कर रहा, तो जिन्हों नैशनल मीडिया जिहड़ा खरीदया हुआ मीडिया वो दस रहा कि लोकल लोग ने, लोकल लोग नहीं है। एक कोजियां चालां चल रही बीजेपी और पंजाब के नौजवानों ने सोशल मीडिया तो यह करके इनू पर्दाफाश किया और आने वाले टाइम के थोड़ी असी कोई चाल चलन नहीं देवे। एक 2022 जी बिल्कुल जी बिल्कुल 2022 के असी बीजेपी के लीडर जिदा लगातार प्रिंट मीडिया के सोशल मीडिया से कह रहे असी पंजाब से सरकार बनावे, असी थानू पिंडां दे विच पैर नहीं रखण देना, असी पंजाब के किसी पिंड दे विच बीजेपी ते आर एस एस के लीडर का पैर नहीं रखण देवे। गुरिंदर सिंह जमशेरा जी।